मैंने बिज़नेस के लिए जॉब छोड़ा, मैंने मतलब छोड़ने के बाद बिज़नेस नहीं शुरू किया, मुझे बिज़नेस करना था इसलिए मैंने छोड़ा। मैंने 27 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, मैंने बिज़नेस के लिए रिटायरमेंट ली है, मतलब ये मेरा पैशन था इसलिए मुझे ये करना था बस। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन अंजू सिंह है, मैं रिटायर्ड हूँ एंड ये मैंने बिज़नेस करना मेरा हमेशा से पैशन था, मैंने इसलिए आर्मी से रिटायरमेंट ली। और ये राजपूताना बिज़नेस समिट जो आज भुवनेश्वर में हो रही है, इसके लिए मैं आरपी सिंह जी की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और बिज़नेस हम राजपूत या कोई भी कम्युनिटी या लेडीज़, स्पेशली लेडीज़, कभी बिज़नेस की तरफ रुझान नहीं जाता है, हमारा जाता है कि हम अच्छी नौकरी कर लें पढ़ लिख कर। मेरा सिर्फ सारी लेडीज़ को ये संदेश रहेगा कि आप बिज़नेस की तरफ भी थोड़ा सोचिए, बिकॉज आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आप शायद गवर्नमेंट में सबसे टॉप पोजीशन पे होंगे, लेकिन जब वो पोजीशन आप खाली करेंगे उस कुर्सी पे, आप अपने बच्चों को या अपने जो भी सक्सेसर है उसको आप बिठा नहीं पाएंगे। लेकिन बिज़नेस की चेयर पे जब आप खाली करेंगे, आप अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को वो आप सौंप सकते हैं, तो आपके लिए एक धरोधर रहेगी। मैंने बिज़नेस के लिए जॉब छोड़ा, मैंने मतलब छोड़ने के बाद बिज़नेस नहीं शुरू किया, मुझे बिज़नेस करना था इसलिए मैंने छोड़ा। मैंने 27 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, मैंने बिज़नेस के लिए रिटायरमेंट ली है, मतलब ये मेरा पैशन था इसलिए मुझे ये करना था बस। सोच के नहीं, सोचा नहीं था, मेरा परफ्यूम का बिज़नेस है, सोचा नहीं था कि मैं ये बिज़नेस करूँगी, बस बिज़नेस करना था, क्या करना था ये नहीं पता था। ये करते करते कुछ पहले भी किया, कुछ फेल हुआ, कुछ सक्सेस हुआ, तो एक जर्नी है। मेरा TNB टॉमिन बनी लग्जरी परफ्यूम के नाम से लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक ही। मेरे हस्बैंड हैं जो ऑफ कोर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ कैसे आती। मेरी एक छोटी बच्ची है जो 6.5 साल की है, उसको वो संभाल रहे हैं, और बाकी परिवार का सपोर्ट है, मेरे सास ससुर, मेरे सिस्टर इन लॉ, मतलब सब पूरे परिवार का, सिस्टर लॉ, ब्रदर लॉ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ हम अटक जाते हैं, लेकिन हमारा परिवार ही सपोर्ट करता है, मैं उनकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद।